उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। सीएम धामी जब हरिद्वार गए तो उन्होंने हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर बयान दिया था। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मां गंगा जी के तट पर भी अन्य धार्मिक कॉरिडोर की तर्ज पर ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित किया है और उसके लिए एक नियत समय सीमा भी तय की है। आप सभी जानते हैं कि हरिद्वार में विभिन्न पर्वों पर पूरे देश भर के अनेक श्रद्धालु विभिन्न पर्वों पर आते हैं और इनकी संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार हमें अनेक अवस्थापना सुविधाएं यहाँ पर बनानी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले 50-60 सालों के बाद यहाँ पर किस स्थिति का हमको सामना करना पड़ेगा, क्या हमारे सामने उस समय चुनौतियाँ होंगी, उस पर विचार करते हुए एक मास्टर प्लान तैयार कर विकास किया जाना है, जिसके संबंध में हमारी सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए सभी की सहमति से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट उपचुनाव में जीत की खुराक पा चुकी कांग्रेस युद्ध स्तर पर चुनावी मैदान में है। पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए बाकायदा मुद्दा भी तलाश लिया है। कांग्रेस दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ मंदिर समेत उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर से कथित रूप से गायब हुए सोने और पंडे पुजारियों समेत व्यवसायियों के हितों की रक्षा का दावा करते हुए केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाल रही है। जल्द ही राहुल गांधी के इस यात्रा से जुड़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही कांग्रेस हरिद्वार कॉरिडोर पर बीजेपी को बुरी तरह घेर रही है। जो कॉरिडोर को लेके एक भ्रम की स्थिति हो रही है, सारे शहर को पता है कि कॉरिडोर के कारण पूरी गलियों गलियों की नपाई हो रही है। छोटी छोटी गलियों की, चौकबाजार की, कनखल की, ज्वालापुर की, हरिद्वार की, सभी जगह की नपाइयां चल रही है। और अभी हमारे यहाँ के विधायक जी ने एक सगुफा छोड़ दिया कि जो है कॉरिडोर नहीं बनेगा और हेरिटेज सिटी बनेगी है। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि अभी तक ये कवायद क्यों चल रही थी और ये रात तो रात अभी तक भी गलियों की नपाइयां क्यों हो रही हैं? नपाइयां कृष्णा नगर की, कनखल की, मोती बाजार की, हरिद्वार की और अपना दक्ष रोड की, इन जगह की हो रही हैं। अब वो कह रहे हैं जी कॉरिडोर बनेगा जो है गंगा पार, जो कि जो है यूपी की जमीन है। तो इस तरह की भ्रम की स्थिति ना फैलाएं। दूसरी तरफ बीजेपी इन मुद्दों को कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बता रही है। बीजेपी नेता विकास तिवारी के अनुसार कांग्रेस जनता को गुमराह करके माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आज कॉरिडोर को लेकर के जिस प्रकार कांग्रेस के लोग हरिद्वार शहर में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, व्यापारियों को और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। निश्चित रूप से आप देखिए कि जब कॉरिडोर को लेकर के हमारे स्थानीय विधायक मदन कौशिक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके स्थिति स्पष्ट कर दी है और माननीय विधायक मदन कौशिक जी ने कहा है कि शहर में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होगी और जब भी कॉरिडोर को लेकर के कोई विषय आएगा तो यहाँ के स्टेक होल्डरों से बात की जाएगी, यहाँ के सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों से बात की जाएगी और यही आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय विधायक जी को और जनमानस को दिया है। और तो इसके बाद कांग्रेस के लोगों का रोज गली गली जाकर के झूठ बोलना और ये दुष्प्रचार करना कि कॉरिडोर की DPR सार्वजनिक की जाए, जब कॉरिडोर को लेकर के जिला प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ना तो व्यापारियों को कोई नोटिस जारी किए गए हैं, ना कोई किसी तरह का ऑफिशियल उसका कोई लेटर जारी किया गया, तो किस आधार पर कांग्रेस के लोग हरिद्वार शहर के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, व्यापारियों झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। और इससे उलट भारतीय जनता पार्टी लगातार उन स्थानों पर जाकर के शुद्धिकरण करने का काम कर रही है जिस पवित्र स्थानों पर श्रावण के मास में कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके इस तीर्थ नगरी को अपवित्र करने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार सुनील दत्त पांडे कहते हैं कि उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले काफी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। दो उपचुनाव में मिली जीत के बाद जिस तरह से केदारनाथ और अब हरिद्वार कॉरिडोर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर रही है, उसे देखकर लग रहा है कि कांग्रेस आने वाले उपचुनाव में बीजेपी को टेंशन दे सकती है।
ईटीवी भारत के लिए देहरादून से किरण कांत शर्मा की रिपोर्ट।